प्रदेश के अंदर लगभग 15 से 20 जनपद वर्तमान में ऐसे हैं जो बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं। उनमें से जनपद सिद्धार्थनगर भी है, जिसमें लगभग 200 गांव की लगभग 2 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। 400 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर फसल को भी नुकसान पहुंचा है। लगभग 2 लाख की आबादी के सभी पीड़ित परिजनों के प्रति राहत सामग्री की समीक्षा करने, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करने और उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं आज सुबह से ही जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा, सोहतगढ़, डुमरियागंज, बांसी होते हुए अब नौगढ़ में आया हूं। मुख्य रूप से राप्ती, बूढ़ी राप्ती, बाणगंगा, कूड़ा आदि नदियों के कारण यहां पर बाढ़ आई है या जल भराव की भीषण समस्या खड़ी हुई है। विगत 15 दिनों से लगातार बारिश के कारण और नेपाल में भी भारी बारिश के कारण नेपाल से सटी हुई पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन सभी जनपदों में बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ रहा है। माननीय जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्यों के लिए कार्य कर रहा है। हर पीड़ित परिवार को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिल सके, हर प्रभावित गांव में नाव की व्यवस्था ग्राम पंचायत की ओर से या नगर निकाय की ओर से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट को भी पर्याप्त मात्रा में हर एक जनपद में डिप्लॉय किया गया है। कंट्रोल रूम के माध्यम से एक एक गतिविधि पर नजर रखने के साथ साथ बाढ़ चौकियों के माध्यम से हर पीड़ित परिवार को समय से राहत पहुंचाने, बाढ़ से बचाव करने के सभी उपाय किए जा रहे हैं। हम लोगों ने पहले से ही इस बारे में प्रशासन को निर्देश दिया है कि बचाव और राहत कार्य में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में धनराशि और संसाधन हरेक जिला को उपलब्ध कराए गए हैं। राहत के लिए हरेक प्रभावित परिवार को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई चना, 2 किलो दाल, रिफाइंड ऑयल के साथ साथ मिर्च मसाला, नमक, डीएसलाई और भी अन्य सामग्री जो एक घर के लिए किसी भी पीड़ित परिवार के लिए आवश्यक है, सभी सामग्री उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। ये भी व्यवस्था दी गई है कि जहां पर किसी पीड़ित का मकान ध्वस्त हो जाए उसको तत्काल 95,000 रुपये उपलब्ध करवा दिए जाएं। आंशिक रूप से क्षति होने पर भी उसे सहायता देने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही नदी में धारा की चपेट में आने से अगर किसी पीड़ित का मकान उसमें विलीन हो गया है तो उसे मुख्यमंत्री आवास योजना से भी आच्छादित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी व्यक्ति की दुर्भाग्य से इस आपदा में मृत्यु होती है तो उस परिवार को, पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध हो जाए। इस सीजन में जल जमाव और बाढ़ के कारण सांप, बिच्छू, जंगली जानवर और कुत्तों के काटने की शिकायतें भी आती हैं। हर एक जनपद में पर्याप्त मात्रा में
एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध करवा दी गई है। किसी को भी दूर न जाना पड़े, स्थानीय स्तर पर यह सुविधा हर एक पीड़ित परिवार को उपलब्ध हो सके, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। पेयजल के लिए आवश्यक है शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाए। अगर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति में कहीं कोई बाधा है तो क्लोरीन की टैबलेट सभी पीड़ित परिवारों को उपलब्ध करवा दी जाए, प्रभावित परिवारों को उपलब्ध करवाएं। इसके स्पष्ट निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं और युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य विभाग इस कार्य को कर रहा है। जल भराव और बाढ़ के कारण डायरिया, हैजा आदि की शिकायतें अक्सर देखने को मिलती हैं, तो उसके लिए ORS के पैकेट भी हर एक पीड़ित परिवार को उपलब्ध करवाने के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बाढ़ के कारण खड़ी फसल को भारी पैमाने पर नुकसान हुआ है। अकेले सिद्धार्थनगर जनपद में 400 गांवों के में खड़ी फसल किसानों की खराब हुई है या बाढ़ की चपेट में आई है। प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल इसका सर्वे करवा लें और सर्वे करवाने के साथ इसके तत्काल बाद उन सभी परिवारों को जो भी आवश्यक मुआवजा है ये उपलब्ध करवा दिया जाए। पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था और उनके लिए हर संभव सहायता करने की व्यवस्था का प्रावधान कर दिया गया है। प्रशासन को यह भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी स्थिति में किसी को भी कोई भी पीड़ित अपने को उपेक्षित महसूस न करें। उन सब के प्रति संवेदनशील व्यवहार, संवेदनापूर्ण व्यवहार होना चाहिए और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के राहत और बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए। जनपद में इस बार विगत कई दशकों के बाद इतना भारी पैमाने पर पानी आया है, यानी बरसात का पानी, बाढ़ का पानी इतने बड़े भारी पैमाने पर, क्योंकि हर नदी डेंजर लेवल से अपना काफी ऊपर तक पहुंच चुकी थी। राप्ती नदी यद्यपि स्थिर होने के बाद पानी उसमें थोड़ी गिरावट की ओर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जब पीक था तो वहां डेंजर लेवल से 1.5 से 2 मीटर ऊपर बह रही थी। ये चीजें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं बाढ़ पहले विगत वर्षों की तुलना में काफी ज्यादा है, लेकिन समय पर सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण तटबंध की मरम्मत और उन पर बचाव के कार्य जो समय पे हो गए थे, ऐसी 11 परियोजनाओं को समय पे पूर्ण करने के कारण व्यापक पैमाने पे जन और धन की हानि को रोकने में मदद मिली। लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ किया जाना है। इन्हीं सब को ध्यान में रखकर के प्रशासन के स्तर पर पूरी व्यवस्था की जा रही है। मैं आज की इस अवसर पर एक बार फिर से सभी बाढ़ पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता, पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ पर बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। बचाव और राहत कार्य संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है। हर पीड़ित की पीड़ा के साथ हमें खड़ा होना है और उनको हर प्रकार का सहयोग, मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ कि सरकार उनकी पीड़ा के साथ उनके साथ खड़ी है। किसी भी प्रकार की असुविधा किसी भी पीड़ित को न होने पाए, सरकार इस मनसा के साथ कार्य कर रही है। भारत सरकार भी लगातार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बाढ़ जैसी इन आपदाओं से बचाव के लिए बराबर निगरानी कर रहे हैं, इसमें राहत सहायक सहायता देने में अपना योगदान दे रहे हैं। बाढ़ के बाद जो कार्य होने हैं वह है मुख्य रूप से किसी भी प्रकार की जल जनित और विषाणु जनित बीमारियों को बचाव के लिए 5 सितंबर से 12 सितंबर तक एक विशेष अभियान हर जनपद में प्रारंभ हो रहा है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों को हर जनपद में इस कार्यक्रम की निगरानी के लिए भेजा गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास, ग्राम्य विकास और पंचायती राज, महिला और बाल विकास, ये सभी विभाग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, शुद्ध पेयजल छिड़काव और प्रत्येक परिवार की स्क्रीनिंग करते हुए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने,
इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचाव करने के लिए, डायरिया, हैजा जैसी बीमारियों से बचाव करने के लिए बृहद अभियान प्रारंभ होने जा रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।